चेहरे पे भी इतना नूर था और मुस्कुराहट थी, वो शहीद है। ठीक है, आप मेरे, आप सब मेरे भाई है ना, मैं भी तो सहाफी हूँ ना, तो उनके लिए दुआई मफरत करना और मेरे लिए सब्र की दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस टाइम अरशद शरीफ की फैमिली बहुत दुख और तकलीफ़ में है। मीडिया जब उनसे सवाल करती है तो उन्हें जवाब देने का भी हौसला नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मीडिया को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। हम अपने दोस्तों के साथ अरशद शरीफ की अहलिया की वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो गुफ्तगू कर रही हैं और बता रही हैं कि अरशद शरीफ ने लास्ट कॉल जो की उसमें वो उन्हें क्या कह रहे थे। आप दो ज़रा वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए। हम वीडियो का कुछ हिस्सा और इसकी मुकम्मल ऑडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आपने इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्शद का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, सारा कुछ से बहुत आराम किया, उनका शुक्रिया। और अपन को मौजी में शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने उनसे मिल लिया, उनसे आखिरी दीदार किया, बिल्कुल ऐसे मुस्करा रहे थे जैसे आप लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते थे। और मुझसे बहुत बातें की थी आपकी कॉल पे, बहुत खुश थे, वापस आ रहे थे, लेकिन बस हालत नहीं हुई। मेरी सब आप सबसे गुजारिश है, वो शहीद है, आजादी के जंग में शहीद हुए, उनकी दुआ करें। मेरे लिए पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, उनके लिए कुर्बाना नमाज जनाजा पढ़ें, कुरान पढ़ें और वो करें, और हम सबको भी अपनी दुआ में बहुत याद रखें। आप सब यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया, पुलिस के भाइयों का बहुत शुक्रिया, और सब कर रहे हैं। उनके चेहरे पे भी इतना नूर था और मुस्कुराहट थी, वो शहीद है। ठीक है, आप मेरे, आप सब मेरे भाई है ना, मैं भी तो सहाफी हूँ ना, तो उनके लिए दुआई मफरत करना और मेरे लिए सब्र की दुआ करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।